हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा के प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है आपा के बर्थडे का पार्ट टू व्लॉग है। पार्ट वन मैंने शेयर कर दिया है, पार्ट टू नहीं शेयर किया था तो सोचा कि चलो अभी जल्दी से आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि क्या मैंने आपा के बर्थडे के लिए प्लान किया था। जो भी सरप्राइज़ था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। आप लोग भी उम्मीद है कि इस व्लॉग को देखेंगे और पूरा देखेंगे और इस व्लॉग को पसंद भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। अब यहाँ पर चाय अच्छे से उबलने लगी है तो इसमें डाल देंगे अदरक पिसी हुई और इलायची का पाउडर डाल दूंगी और अच्छे से इसको पका लेंगे। जब ये अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा चाय का, तब हम इसको फ्लास्क में डालेंगे और ले जाएंगे आपा के घर। तो देखिए यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ मेरे भांजे का, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि बलून्स मैंने नहीं लाए थे, तो उससे मैंने बोल दिया था कि बलून्स ले आना। तो वो यहाँ पर वेट कर रही हूँ मैं। उसने कहा था मामी अभी तक जो मम्मी हैं वो अभी सोई नहीं है, मम्मी जब सो जाएगी तो मैं जाऊँगा बलून्स ले आऊँगा और जैसे ही मैं आऊँगा हॉर्न बजाऊँगा तो तुरंत आप दोनों नीचे उतर जाना। तो यहाँ पर मैं और अजमा वेट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ आपा के घर और मुझे ना यहाँ पर फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा था, क्योंकि आपा हल्की सी मतलब समझ लीजिए एक सुई भी गिर जाए ना नीचे तो तुरंत उड़ जाती है। इतनी कच्ची नींद की है वो, बिल्कुल भी उन्हें नींद से मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिंदास सोती हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उन्हें थोड़ी हल्की सी आवाज़ आ जाती है तो भी उठ जाती हैं। तो मुझे अपने पायल का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर पायल का आवाज़ आए तो उठ जाएंगी। और आते के साथ मैंने सबसे पहले यहाँ की डस्टिंग की, सारे जो सोफ़ा कवर्स हैं, जो दीवान का कवर है, सारे सही कवर्स को अच्छे से सही से बिछा लिया है, ताकि मतलब जो भी यहाँ पर दिन भर में बैठते उठते हैं तो थोड़ा बहुत तो खिसक जाता है, इसी वजह से मैंने सब कुछ अच्छे से बिछा लिया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे वाला टैग हमारे पास है, अजमा के बर्थडे का पहले से ही है, मैंने कुछ मंगवाया नहीं है, तो यहाँ पर वही लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं उसको लगाऊंगी, बाद में बलून का प्लान करूँगी कि कौन से बलून कहाँ पे लगेंगे, कितने बलून लगेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसको फुलाया नहीं है। तो वही यहाँ पे मैं परदीन से बात कर रही थी कि अभी तक हमारे पास फुलाने के लिए कुछ है नहीं, वैसे पहले था लेकिन वो मशीन जो है ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने यहाँ पर उसको बोल रही थी कि अभी फुलाने का काम है तो बलून को तू और मैं मिलकर ही फुलाएंगे, तो वो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम जो है ना, आप ही करना, मैं आप ही कुछ हेल्प नहीं करूँगा। मैं उसको बोल रही थी कि हेल्प नहीं करना, मैं हेल्प नहीं भी लूँगी तेज से, थोड़ा बहुत ही करना है, ज़्यादा कुछ डेकोरेशन करना नहीं है हमें, तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस बलून फुला कर दे देना, क्योंकि बलून फुलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपा भी उठ जाएंगे इसी वजह से। और हमारी इसी तरह से नोकझोंक होती रहती है, एक कॉमन है हम सबके बीच में, हमारी पूरी फैमिली ऐसी ही है कि थोड़ा बहुत हम सारे ही मिलकर नोकझोंक होती रहती है एक दूसरे के बीच में, खासकर मेरी और फर्दी।
तो यहाँ पर अभी फरदीन और मैंने मिलकर सारे जो बलून थे वो फुला लिए हैं, और फरदीन अभी कह रहा था मुझसे कि मामी मैंने बलून जो है फुला लिए हैं, बाकी काम जो है आपका रहा अभी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतना तो कर दिया तूने, चलिए चल अभी मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर लूँगी। तो मैं वही यहाँ पर सारे बलून्स को सेट कर करके देख रही थी कि कहाँ पे कौन से बलून जो है सेट होंगे। और यहाँ पर मैं अजमा के जो स्कूल के क्राफ्ट की चीज़ें थे वो लेकर गई थी, जिसमें कि मैंने रिबन भी लेकर गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लेट और दीवारों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि मतलब ये जो दीवारों का पेंट है बहुत ही मतलब कॉस्टली वाला है, और ये बहुत पुराना है, आप यकीन नहीं करोगे, ये 13 साल पुराना पेंट है जो कि अभी तक टस का मस नहीं हुआ है, जैसा का वैसा ही है, क्योंकि इसको आपने वेल मेंटेन रखा है, इसी वजह से इस तरह से आप, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कितने साल हुए, क्योंकि ये मेरी शादी, हमारी शादी जब हुई थी तभी, उससे पहले 15-20 दिन पहले ये पेंट जो है लगवाया गया था, और हमारी शादी होकर अभी 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, 13 साल चल रहे हैं, 13वां साल चल रहा है, तो इसी वजह से मुझे अच्छे से याद है। तो ये जो पेंट है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब अभी तक जैसे भी इसको क्लीन करते हैं तो ये अभी क्लीन हो जाता है एकदम से, नया नया जैसा लगता है, तो इसको बस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा पेंट है। तो इसी वजह से मैंने कहीं पे भी सेलो टेप नहीं लगाया, बस जो ऊपर आप देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाला जो टैग मैंने लगाया वहीं पर जो पेंट सॉरी जो टेप है वो लगाया है, बाकी कहीं पे नहीं लगाया है, बस यहाँ पर इसको डेकोरेट करेंगे तो डेकोरेशन पूरा देख ली। और यहाँ पर ना मैंने मतलब सारा काम जो भी डेकोरेशन है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद अंदर थोड़े से बर्तन रखे हुए थे दोपहर के लंच के, वो धुल दिए, और जो सूखे हुए बर्तन थे वो भी निकाल कर अच्छे से रख लिए, ताकि आपा को थोड़ा सा भी काम ना लगे, क्योंकि बर्थडे गर्ल है भाई, थोड़ा सा तो रेस्ट देना चाहिए। तो मैं मतलब ये सारे काम करने में ना मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी से आपा आ जाएंगे, और इस काम को मुझे जल्दी से निपटाना है, और काम ऐसा था कि बिना आवाज़ के नहीं हो पाएगा, तो मुझे इतना डर लग रहा था, कहीं से भी थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं से आपा उठकर ना आ जाए। तो मैं डरते हुए सारा काम मैंने निपटा लिया, लास्ट मोमेंट में जब मैं लाइट लगा रही थी ऑन कर रही थी तो आपा ने अचानक से मतलब उठकर आई, इतनी देर हो गई अभी तक मुझे उठाया नहीं गया, फरदीन रोज़ शाम में उन्हें उठाता है 5-5:30 के करीब, तो उसने उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया इस तरह से सोचकर आपा लास्ट मोमेंट में मेरा जो प्लान है उसको चौपट करते हुए आ गई। लेकिन मतलब वो जैसे ही आई ना तो मैं भी वहीं पे खड़ी थी, तो वो शॉक हो गई, इसने तो मुझे अपने घर पे बुलाया है चाय पीने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसा सोचकर उन्हें वो भी शॉक हो गई। तो वो नींद में थी तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं मतलब वो शॉक तो हो गई थी, मैंने उनसे बोला कि आप नहीं आई तो मैं आ गई आपको बुलाने के लिए, अभी तक आप आई नहीं, तो मैंने कहा जल्दी से रेडी होना अभी चलेंगे अपने घर। तो वो शॉक होकर थोड़ी देर वहीं पे रुकी, फिर आई, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रिएक्शन देखकर, बहुत दिल को खुशी हुई, क्योंकि वो सुबह से थोड़ी सी उदास थी, मूड जो है उनका अच्छा नहीं था, थोड़ी सी भाईजान की तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिल को खुशी हुई, और वो भी बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, मुझे बार 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 बोल रही थी, मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा होगा और यहाँ पर मुझे सरप्राइज़ मिलेगा। वो हमारे घर को आने के लिए, हमारे घर आने के लिए रेडी होने के लिए उठी थी, लेकिन वहीं पे उन्हें सरप्राइज़ मिल गया, तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बार बार बताई जा रही थी कि मेरा बर्थडे जो मैंने सोचा नहीं था वैसा वाला हो गया। तो मैं यहाँ पर सारी तैयारियाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से कर चुकी हूँ, सारा केक वगैरह जो यहाँ पर देखिए हर साल आपा अपने बर्थडे पे
मतलब नया कुछ ना कुछ पहनते हैं। तो इस बार उन्होंने नया घर में ही रहते हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, इसी वजह से जो परसों मैंने आपको दिखाया नाइटी ली थी लेकिन उन्होंने पहना नहीं क्योंकि भाईजान की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, प्लस उनको जो नाइटी थी वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको सिला भी नहीं था, तो उन्होंने कहा जाने दे अभी क्या बर्थडे मनाना, इस तरह से उन्होंने सोचा था। उन्होंने कुछ भी थोड़ा बहुत भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्थडे इस तरह से उनका मनेगा, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले उनको गिफ्ट दे दिया था ताकि वो ये खोलें और इसको ही पहनकर बर्थडे को सेलिब्रेट करें, तो इसी वजह से मैंने केक कटिंग के लिए उनको सबसे पहले गिफ्ट दे दिया। तो यहाँ पर देखिए आपा जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है उसको भी संभाल संभाल कर निकालती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपा से कहा भाई इसको इतना संभाला मत करो, चलो इसको फाड़ के निकाल देना। तो यहाँ पर फरदीन ने भी थोड़ा सा आपा से कहा कि चलो अभी फाड़ के निकाल दे, इतना क्यों ये कर रहे हैं। तो फिर आपा फरदीन मतलब मेरे फरदीन और अजमा के बोलने के बाद आपा ने निकाल लिया है, और मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि आपा इतना खुश हो जाएंगी, और इतना छोटू सा गिफ्ट था लेकिन वो बहुत ज़्यादा इतना खुश हुई ना, सच बता रही हूँ, उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने जितने भी एफर्ट्स लगाए उनको खुश करने के लिए वो सफल रहा, तो वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। वो बार बार मुझसे पूछे जा रही थी कि तुमने कब किया कब लाया, यही पूछ रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, जो भी मैंने एफर्ट्स लगाए वो कामयाब रहे और हमारी पूरी फैमिली इसी तरह से रहे। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि ये हमेशा इसी तरह से खुश रहे मेरी बहन, और इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे बरकरार रहे, हमारी पूरी एंटायर फैमिली हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहे, हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएं। जब तक हमारी जान में जान है हम सब मिलकर रहें, आगे जिंदगी ऐसे ही कटे हंसते हुए। तो यहाँ पर जो भी मैंने नोट लिखकर दिया था आपा को वो पढ़ रही थी, लेकिन उन्हें जो नोट है वो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो बिना चश्मे के नहीं देख सकती, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। तो वो कह रही थी कि अजमा को कि जाकर चश्मा लेकर आना, तो अजमा गई अंदर लाने के लिए, तो आने के बाद फिर पढ़ेंगी, और थोड़ा सा पढ़ने के टाइम पे ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो मुझे ना उनको देखने में ऐसा हो रहा था अगर मैं उन्हें देखूंगी तो और ज़्यादा इमोशनल होकर रो पड़ेंगे, और मुझे नहीं था कि वो रोए आज अपने बर्थडे के दिन, क्योंकि मैं भी अपने बर्थडे में मुझे आपा ने इसी तरह से सरप्राइज़ दिया था तो मैं रो पड़ी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर लिया था मैंने, क्योंकि आपा भी यहाँ पर इमोशनल हो गए थे। मुझे पता था अगर मैं उन्हें देखती तो वो रो देती, इसी वजह से मैंने बिल्कुल भी आपा को नहीं देखा, बस कैमरे को पकड़ा और फरदीन से बातें करने लग गई, क्योंकि यहाँ पर आप देखकर समझ ही सकते हैं आपा का फेस, क्योंकि वो रोने मतलब रोने के ही मोमेंट में थी कि वो रो ही देंगी अभी, मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हम दोनों ने मैंने और अजमा ने मिलकर बनाया, अजमा ने भी एक नोट लिखा था, मैंने भी एक नोट लिखा था उनके लिए, तो वही देखकर वो कहीं रो ना दे। इसी वजह से अल्लाह ने मुझे सास के रूप में एक बहुत ही प्यारी बड़ी बहन दी है, जो कि मुझे मेरी बहन की भी कमी मुझे पूरी करती है और मेरी सास की भी जो कमी महसूस होती है वो महसूस होने नहीं देती है कभी भी। अभी तक तो मुझे कभी भी सास की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ कभी कभार अजमा जब दादी को याद करती है तब महसूस ज़रूर होता है, काश वो हमारे साथ होती, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर देखिए अपने भाई और बहन की यहाँ पर चल रही है मस्ती, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने विश नहीं किया था सुबह से, तो विश कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली सेलिब्रेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर बर्थडे का केक कटिंग स्टार्ट हो गया है, तो चलिए पहले केक कटिंग कर लेते हैं।
मैंने उस नोट में आपा के लिए कुछ चार लाइनें लिखी थी, तो वही चार लाइनें मैं यहाँ पर भी आप सभी के सामने ही बोलना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चार लाइन मैंने यहाँ पर बोली हैं वो हमारी लाइफ को दर्शाते हैं, यानी कि आपा ने मुझे यूट्यूब के लिए किस तरह से पुश किया है, किस तरह से मैं ऊपर आई हूँ। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर आपा के लिए चार लाइनें जो मैंने नोट लिखे थे वही यहाँ पर आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा आवाज़ का, मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आपा के घर नेक्स्ट डे सुबह 4th December को, क्योंकि यहाँ पर आपा ने मुझे, आज संडे था, मैंने कुछ भिगोया नहीं था तो आपा ने कहा रात में, मैंने सोचा था आपा के घर से ही मैं बैठूंगी वहीं पर, आजमा के पापा को बोलकर आलू मंगवा कर जो परोठा है वो बना लेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ मंगवाना मत, मैंने यहाँ पर भिगोया है ब्रेकफास्ट के लिए, यहीं पर आ जाना। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग सुबह सुबह ही, अभी तक आजमा के पापा नहीं आए हैं, वो फ्रेश हो रहे हैं। और आने के साथ ही मैंने आपा से पूछा कि आपा आज आपने विंडो क्यों नहीं खोला, तो आपा ने कहा मैंने सुबह ही खोला था लेकिन यहाँ पर गिरगिट बैठा हुआ था, इसी वजह से मैंने विंडो को जो है बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि गिरगिट बैठा हुआ था, और यहाँ पर आपा जो है ब्रेकफास्ट की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि डोसा बनाया आपा ने, तो यहाँ पर डोसा सर्व किया जा रहा है फरदीन और आजमा को, और साथ में भाईजान भी बैठे हुए हैं और अजमा के पापा भी, यानी कि भाईजान का जो ब्रेकफास्ट है हो चुका है, फरदीन और अजमा, और अजमा के पापा का चल रहा है। हम भी यहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाएंगे घर। तो सारे लोगों का ब्रेकफास्ट होने के बाद आती है बारी मेरी और आपा की, तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और चलिए, मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक का था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।